सीए इंटरमीडिएट न्यू रजिस्ट्रेशन कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो के एंड तक ना ना भूलेगा, कुछ स्लाइटली चेंजेस हुए आपके इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन में, लेकिन वो स्टूडेंट के बेनिफिट में हुए हैं। अगर आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है कि इंटरमीडिएट कोर्स के रिगार्डिंग में, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आपको सिंपली SSP पोर्टल में जाना है, वहाँ पर आपको जो यूज़र आईडी या पासवर्ड होता है वो आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपका जो है SSP पोर्टल का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको आपको स्लाइटली स्क्रॉल डाउन करना है, और जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में फाउंडेशन पासवर्ड स्टूडेंट के लिए, और राइट साइड में है जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके 3 कॉलम्स होंगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, पेमेंट डिटेल। आपके जो मैंडेटरी कॉलम है वो ऑटोमेटिकली फिल होंगे, और इसमें जो स्लाइटली चेंज हुआ है वो है ये आप देख सकते हैं, डेथ ऑफ एनी पेरेंट ड्यूरिंग पेंडेमिक। सो अगर आपके पेरेंट की डेथ हुई है और हुई है तो आप यस करेंगे, तो आपको यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे डेथ सर्टिफिकेट और ID प्रूफ ऑफ मदर एंड फादर। इसमें इसको आपको अटेस्ट भी करवाना पड़ेगा DCO हेड रीजनल हेड ऑफिस इन चार्ज ऑफ ब्रांच, या तो प्रिंसिपल अंडर वूम सच स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड फॉर आर्टिकलशिप, या सेंट्रल काउंसिल मेंबर, रीजनल काउंसिल मेंबर और मैनेजिंग कमेटी मेंबर ऑफ ब्रांच। इसको करवाने से क्या होगा कि मान लीजिए कोई अगर रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी हो जाएगी एग्जैम्प्ट। इसको मतलब उनको रजिस्ट्रेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिट के लिए हुआ है। बाकी आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे, और अगर आपका सेम है तो यस करेंगे तो आपका पेमेंट परमानेंट एड्रेस भी सेम आ जाएगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको जो आपकी मार्कशीट्स अपलोड करनी पड़ती है, जो कि सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्ट आपको सिंपली अपने साइन कर देने होते हैं उस मार्कशीट में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप 10th और 12th की मार्कशीट अपनी अपलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर अपने नंबर्स भी आप लिख सकते हैं कि आपने कब इसे क्वालिफाई करा, किस ईयर में आपने क्वालिफाई किया, क्या आपके मार्क्स थे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन मोड लिखना होता है, मोस्टली स्टूडेंट न्यू FND से ही होते हैं। उसके बाद अगर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट का अगर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करा तो आप उसकी डिटेल प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरीज का इंटरमीडिएट लेवल क्वालिफाई करा तो उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल का कौन सा मोड चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, तो आप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बोथ ग्रुप के लिए, सिंगल ग्रुप के लिए, मतलब फर्स्ट ग्रुप के लिए या सेकंड ग्रुप के लिए, तो उस हिसाब से अपना जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स जो है बता देनी पड़ती कि आपने कब क्वालिफाई करा फाउंडेशन को, और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाता है पेमेंट डिटेल्स में। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे सबसे आपको जो है डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने पड़ते हैं, जिनमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपके हैं अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर, ये आप अपलोड आपको करने पड़ते हैं। बाकी तो नेक्स्ट के 3 हैं, अगर उनको नहीं भी अपलोड करोगे तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास है डिटेल्स तो आप ज़रूर उन्हें फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिल करनी पड़ती है आपकी लाइव वर्चुअल क्लासेस डिटेल की रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन। अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, नॉट नाउ भी कर सकते हैं। फिर आपकी आ जाती है पेमेंट डिटेल्स, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी है, सिंगल ग्रुप के लिए 11,000, बोथ ग्रुप के लिए 15,000, स्टूडेंट एक्टिविटी फ़ी है 2,000, और अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी है तो आर्टिकल असिस्टेंट है 1,000। ये ऑप्शनल होती है, इसको आप येस और नो कर सकते हैं जब आपका सेलेक्ट करते कि आपको बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, आपने अभी देखा होगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर जर्नल, ये ऑप्शनल होता है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एडिशनल 400 रुपी पे करने पड़ेंगे, और फिर आपको जो है जनरेट OTP करके OTP फिल करके अपनी जो है पेमेंट कर देनी होती है। तो जैसे ही अपनी आप सक्सेसफुल पेमेंट कर देंगे तो इंस्टीट्यूट विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको जो है कंफर्मेशन मेल सेंड कर देगा कि आपने सक्सेसफुली सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सो ये थी सीए इंटरमीडिएट न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में कंप्लीट डिटेल। होप करता हूँ वीडियो को आप लाइक करना नहीं बोलेंगे, शेयर करना नहीं बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ओपन करना ना भूलेंगे ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।